एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रिया ज्वाइन की है तुरंत, तो एक बार बता दूं। देखिए, एक फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ये हम लोग बात कर रहे हैं सैंपल पेपर जो बोर्ड ने हमें दिया है, वो सैंपल पेपर बना रहे हैं। तो यहाँ देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू। ये जो लाइन है ना, वो बताता है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। याद रखना, एन जो है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एन का वैल्यू है 3। तो अगर एन का वैल्यू 3 है और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू टू द पावर एन माइनस वन, यानी 3 माइनस 1 2। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। समझ में आया प्रिया? यस सर। तो ये हो गया हमारा क्लियर आंसर। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा था कि देयर आर टू मैट्रिक्स पी एंड क्यू। आपको अगर नहीं दिखे तो बोलना, मैं इस साइड से इसको जूम कर दूंगा। देखिए ध्यान से, यहां पे आप देखिए ध्यान से कि पी एंड क्यू दो मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवेन है। एक का पी का ऑर्डर क्या है और क्यू का ऑर्डर क्या है? देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पी का ऑर्डर है वो है 3 बाई एन और एन बाई पी। तो याद रखो कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन डिवाइड होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। तो यहाँ ये तो इक्वल दिख गया, इसलिए डिफाइंड है। और जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में इसका रो होगा और इसका कॉलम होगा। मैं इसको फिर से बताऊं कि इसका रो होगा और इसका क्या होगा? कॉलम होगा। यानी कि आपके पास आंसर जो होगा वो होगा 3 और p का प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके आंसर्स थे वो क्या थे भाई? 3 और p। यानी ये जो हमारा वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा। तो ऑप्शन में आते हैं हम देखने, तो 3 और p, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आप लोग बताइए। यहां बोलता है इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। बताइए आप कि दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0, मुझे आप बताइए कि वैल्यू क्या होगा। एकदम बहुत क्लियर क्वेश्चन है, मुझे आपसे आंसर चाहिए। बोलिए, कौन बच्चा बताएगा? किसी को पता है वेक्टर का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं श्रेया? यस सर, डिटरमिनेंट सर। अच्छा, तो यानी कि आपको ये पता है कि इन दोनों को डिटरमिनेंट के दो रोज में डालना है। हाँ स्पर्श, ये बताइए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कब होता है? श्रेया बता सकती हो, श्वेता बता सर, सकती हो? जीरो सर, 0 डिग्री पे होगा ना। नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा 0 कब होगा। हाँ देखिए मतलब मैं बताता हूँ पहले। देखो, अगर डिटरमिनेंट का फाइनली आंसर दिया हुआ है 0, इसका मतलब ये हुआ कि दो रो आपस में इक्वल है, रो 1 या रो 2 और रो 3 क्या है आपस में? या तो इक्वल है और या तो प्रोपोर्शनल है। क्या है? इक्वल या प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? डिटरमिनेंट का वैल्यू एक 0 कब होता है? जब आई जे के बाद ये जो रोज है ना दोनों, वो इक्वल होंगे। समझ में आया? कॉलम तो इसलिए इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि जे और के इक्वल नहीं है। बोलो श्रेया, सर। समझ में आ रहा है? हाँ अब देखिए ध्यान से, यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू है तो यहाँ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ टू तो है नहीं। तो जब टू नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड हो गया टू से, यानी हाफ हो गया, ये टू का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये सिक्स है तो यहाँ क्या होगा, सिक्स का हाफ हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू क्या आएगा बताओ। हाँ सर, ये होगा पी का वैल्यू का 3 होगा और क्यू बिल्कुल का सही, 27। तो पी का वैल्यू हो गया 3, और ये 3 दो जगह पे दिख रहा है, मतलब अभी हमारे पास चांस क्या है, एक तो चांस बी का है और एक तो चांस डी का है। अब दूसरा देखते हैं क्यू का, ये 27 है तो ये क्या होगा, क्यू 27/2। क्लियर है बच्चों, हाँ सर, तो बहुत इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था नहीं ये, तो हाँ याद सर, याद रखना कि ये क्वेश्चन बता रहा है आपको कि जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर जीरो हो तो इसका मतलब क्या हुआ, दो रोज या दो कॉलम इक्वल या प्रोपोर्शनल होंगे, और आपको ये एमसीक्यू है तो आपके पास ट्रिक आना चाहिए जिससे कि आप आराम से ये बता सकते हो। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इतना, पी बी इज इतना एंड पी ए यूनियन बी इज इतना। एक बात आप बताओ मुझे, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपके पास पी ए यूनियन बी दिया हो, पी ए दिया हो, पी बी दिया हो, है ना, तो ये तीन चीज दिया है, कभी आपने कोई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है या सेट थियोरी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाँ सर, वो वाला जो पी ए प्लस पी बी प्लस पी कॉमन ए इक्वल्स टू एन पी ए कॉमन। यूनियन बी का हाँ फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, पता है आपको। हाँ सर, पढ़े हैं ये वाला। तो अब देखो आपको निकालना क्या है, ए ऑब्लिक बी, कौन मुझे बताएगा ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता है। पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। पी ए इंटरसेक्ट और बी बाई पी बी। इसका फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। से इंटरसेक्शन को और क्या क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जब होता है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट होता है ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूले का यूज करके हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये तीनों वैल्यू गिवन है हमारे पास। मैं इसको एक बार यहाँ दिखा दूँ, देखो पी ए यूनियन बी गिवन है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पी ए और पी बी को जोड़ करके और इसमें से पी एन ए यूनियन बी घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, और यही एन ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि ये जो एन है ना उसको हम पी समझ रहे हैं, यहाँ कंसिडर क्या कर रहे हैं, पी, ठीक है, तो हम लोग इस एन को पी समझ रहे हैं, तो आप इसको पी समझ के काम करो कि ये जो है वो पी है। क्लियर है, अब बोलिए इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप देखो 2 + 4 6 होता है, यानी 0.6 - 0.5 होगा 0.1, 0.1 और बी का इसका वैल्यू आंसर क्या है, 0.25 होगा क्या? 0.4, 1/4 आएगा, मतलब 1 0.25। हाँ 0, तो आएगा 1/4, और 1/4 को अगर हम डेसिमल मिलेंगे तो क्या आएगा, 0.25 ये वाला वैल्यू आ जाएगा, नहीं बी का। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ यस रहा है सर। तो टोकिए, प्रिया टोकिए बेटा, नहीं आ रहा हो तो। यस आ रहा है कुणाल, यस श्वेता आ रहा है बेटा, सर, ये फॉर्मूला तो याद है ना तुमको, बनाए थे। चलिए तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला को यूज करना था, यानी कि आपका जो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो बहुत सिंपल है, ये हो गया हमारा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूं कंफ्यूजन नहीं हो, और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है बोलेगा तो मैं एक बार फिर से बना के दिखा दूंगा। प्रिया बना दूं या एक बार बता दूं क्या बेटा आपको? यस सर, बता दीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए ऑब्लिक बी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें जो है ए ऑब्लिक बी निकालना है, सॉरी ये दिया नहीं है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो पहले इसका हमें फॉर्मूला जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई होगा पी बी। तो आप देखो पी बी तो गिवन है ही 0.4, तो हम यहां पे नीचे तो लिख ही सकते हैं 0.4, ठीक है, और ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी है जो कि दिया हुआ नहीं है, जबकि दिया हुआ है यहां पे पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू और पी ए यूनियन बी का वैल्यू। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू से हमें पता है कि हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, पी ए को पी बी के साथ जोड़ा, यानी 0.2 को हमने 0.4 से जोड़ा, क्या आएगा 0.6, और उसमें से हमने इसके वैल्यू को घटाया और इसका वैल्यू क्या था 0.5, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा बोलो 0.1। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारा 0.1 और बाई 0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट अगर हटाएंगे हम दोनों का तो यहाँ आ जाएगा 1/4, यानी कि ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा 0.25, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा आंसर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे को मन कर रहा है ना कि एक बार मैं इसको क्लोज करके ओपन करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं लिखने में आप लोग को दिख रहा होगा ना कि कुछ चीज लिख रहे हैं फिर गायब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं बच्चों, दिख रहा है ऐसा? श्रेया दिख रहा है बेटा ऐसा? सर दिख रहा है। ऐसा तो नहीं दिख रहा, तुम लोग मतलब सब कुछ पता चल रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन देखो ये जैसे मैं अभी लाइन लिया फिर छोड़ा, ये तो दिख रहा है, ग्रीन वाला तो आ रहा है, पर यहाँ से देखो ये लाइन अगर मैं ले रहा हूँ ना, देख लो ध्यान से, जैसे ये लाइन लिया, गायब हो गया कि नहीं, कि अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, गायब हो गया, इसीलिए मैं इसको जो है ना वो कर दे रहा हूँ, एक बार क्लोज करके ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार क्लोज कर दूं फिर ओपन कर दूं। जो हम लोग लिखे हैं वो मिटेगा नहीं, वो तो आ जाएगा अपने जगह पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके ये ऑप्शन जो है ना ड्रॉ वाला, ये क्लियर हो जाएगा, ये सही आएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए बोल रहा है द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन, सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में ये कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ थर्ड वाला 2, 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करते हैं, पहले 1, 2 को पुट करते हैं। प्रिया देखो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12 क्या होगा,
प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व यानी कि एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट लाइक कर रहा है, और ये तो पूछ रहा है डज नॉट लाइक यानी कि वो नहीं करना चाहिए सेटिस्फाई। अगर हम टू और वन लेते तो क्या होता है, यहाँ पे टू करते यहाँ पे वन करते, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या होता, तो यहाँ फोर प्लस थ्री क्या होता सेवन, और सेवन भी ट्वेल्व से छोटा है इसलिए सही हो जाता, यानी सेकंड भी लाइक कर रहा है। अब स्पर्श का आंसर है टू और थ्री, चेक करते हैं, टू टू जा प्लस थ्री इंटू थ्री जा क्या होगा, नाइन और फोर को ऐड करेंगे थर्टीन, क्या थर्टीन जो है वो ट्वेल्व से छोटा या बराबर है बच्चों, नहीं ये गलत है इसलिए ये लाई नहीं करेगा। समझ में आया श्वेता? यस सर। चल सिक्स नंबर क्या होगा, ये समझ में आया प्रिया? अभी जो मैंने बनाया वो समझ में आया बेटा? कुणाल? यस सर। श्वेता समझ में आया? यस सर। चलिए सिक्स नंबर बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू है टू पाई बाई थ्री, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा बताइए। अच्छा आपको एक बात बताओ, आपको पता है टू पाई बाई थ्री अगर ये है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई क्या होगा? चलिए ये हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ना तो हम लोग बात करेंगे, अगर आपको आता है ये तब तो अच्छी बात है, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स एक्स और साइन कॉस इनवर्स वाई ये होता है नाइन नाइन्टी बाई टू, मतलब सॉरी नाइन्टी होता है, एंगल सेम होना चाहिए ना। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई एक्स सेम होना चाहिए ना, मतलब एंगल सेम। हाँ हाँ बिल्कुल एंगल सेम होना चाहिए कॉस में, समझ गए, तब हो सकता है ऐसा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखो कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दोनों क्या हो जाएगा तुम बताओ, अगर मैं इस दोनों के एक पहले फॉर्मूला जान जाओ बच्चों, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहां लिखूं कि साइन इनवर्स वाई और प्लस कॉस इनवर्स वाई तो ये क्या होगा बच्चों बताओ, 90 पाई बाई टू, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, क्या कर रहे हैं हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये पाई बाई टू पाई बाई टू ऐड होगा तो क्या होगा, पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या है, गिवन है 2π/3, तो अगर हम पाई बाई थ्री, नहीं नहीं सर ये गिवन है 2π/3, अगर हम इन इसके वैल्यू को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा ना साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स का सम, बोलो। तब वो पूछ रहा है सेम है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, वही तो मैं भी लिख रहा हूँ, मैं बस दोनों को ऐड करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स देखो ध्यान से देख लो आप लोग, प्रिया जड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसको मिटा दे रहा हूं पहले आप लोगों को बताने के लिए, और जो जो बता रहा हूं श्वेता थोड़ा फॉर्मूला है इसलिए याद कर लेना बेटा इसको। देखो यहां आपके पास साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दिया है और यहां पे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई दिया है, तो आप अगर लिखना चाहो और दोनों को मैं कह रहा हूं ऐड कर लो, पहले बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 90 डिग्री पाई बाई टू, इसका मतलब ये है कि अगर एंगल दोनों में इक्वल है तो ये क्या होगा 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है तो बोलो आगे बढ़े, बोलो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां लिखते हैं हम पहले तो साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई, ठीक है? कोई दिक्कत? यहां तक लिख दिया हमने, और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम इसी के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो यहां हम लिख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स और प्लस क्या लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स वाई, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यहां पे ऐड करेंगे। तो एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आता है बच्चों? 90 डिग्री। और इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आता है प्रिया, बताओ? दोनों में एंगल वाई वाई है तो क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा क्या, बोलो? समझ में आ रहा है आपको? इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया, इसको हमने इक्वेशन टू मान लिया, और यहां पे हमने वन और टू को ऐड किया है, वन और टू को ऐड किया है। समझ में आ रहा है श्रेया? यस सर। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका वैल्यू तो हो गया पाई, और अब देखो ये वैल्यू गिवेन था साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो हम लोग अगर चाहें और इस वैल्यू के जगह साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के जगह अगर मैं लिखना चाहूं इस जगह पे ये 2π/3, तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो? लिख सकते हैं ना हम? बोलिए, यहां पे अगर हम चाहें लिखना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के जगह पे 2π/3 और प्लस क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और रिजल्ट क्या है पाई, लिख सकते हैं, बोलो? यस सर। तो यहां पे ये अगर मैं केवल इसका वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2π/3 के जगह को भेज देंगे यहां पे, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 2π/3। तो यहाँ हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे हम 3 1 का एलसीएम होगा 3 पाई माइनस 2π, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लगातार पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आ रहा है। क्वेश्चन में ज्यादातर 2 बार आया है कि डिफरेंशिएट दिस, तो हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 90 जो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। मतलब ये पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यही फॉर्मूला पे आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए, और इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला को पुट किया है, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, ये वाला इस बार मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। श्रेया, मैथ्स के क्वेश्चन का आइडिया मिल रहा है आपको? यस सर। कि किस तरह से हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन जो है मैथ्स का पेपर चाहता है कि आपको बनाना है, आपसे बने, ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 6 के बाद। श्वेता, पहले आप बताओ, लाइन पे हो आप? प्रिया, समझ में आया कि नहीं आया? प्रिया नहीं है वो। प्रिया नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है। श्वेता, किशोर, कुणाल, यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर रहे हो? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सर, नोट कर रहे। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो कुणाल। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो। एन ऑन कंटेन 6 बॉल्स ऑफ विच 2 are red and 4 are black, दो रेड है और 4 काले हैं, टोटल 6 है। 2 balls are drawn एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, तो आप मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या होगा भाई, बोलो? एट बाय 15 शायद यही आंसर इसका, 8x15 ही है। बताओ तो कारण के साथ। फोर
फोटो दिखा देंगे, मतलब ऐसे बना चुके हैं। बनाइए, प्रोसेस करके बनाइए श्रेया, जेड़ा मैं चाहता हूँ आपका देखना। श्रेया सर बनाइए। ओके सर। 8x15 आंसर सही बता रहा है ये, सोचिए और इसको जल्दी बनाइए बिना टाइम लिए। हाँ जी पढ़ा रहे हैं। रुक जाओ 15 मिनट। हाँ भाई बोल, चालू किया है ना भाई? अढ़ाई बजे नहीं किए, 1:30 बजे किए हैं पापा।